हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है क्रीम, तो वही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आजकल ठंडी के दिन हैं, पानी एकदम ठंडा रहता है, हाथ पैर फट जाते हैं, स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए ये क्रीम बहुत फ़ायदे करेगी। तो आप लोग बनाकर लगा सकते हैं, इसको रख सकते हैं डिब्बे पे। इसको बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर मार्केट वाला नहीं है तो आप जो घर पे है उसको भी यूज कर सकते हैं। और यह है जैतून का तेल, और यह है ग्रिसलीन, और यह है विटामिन ई कैप्सूल। इसमें आप बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, नारियल का भी, लेकिन नारियल का तेल आजकल ठंडी के दिन है तो एकदम से जम जाएगा, इसलिए नारियल का तेल नहीं डालें। या तो आप बादाम का तेल डालें या इसमें जैतून का तेल। जिस भी बर्तन में आप बनाएं, या तो शीशे का कटोरी होना चाहिए या प्लास्टिक का। तो मेरे पास कटोरी नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो क्रीम का डिब्बा है उस पर ही रख कर बना रही हूँ। और डिब्बे को मैंने पहले साफ़ कर लिया है, उसके बाद पोंछ लिया है। बिल्कुल साफ़ डिब्बा होना चाहिए जिस पे भी आप क्रीम बनाकर रखेंगे या क्रीम बनाएंगे। चम्मच और कटोरी जो भी हो आपकी, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ले लिया है एलोवेरा जेल, क्योंकि चम्मच छोटी है। इसको बनाकर आप रख सकते हैं। डिब्बे का ढक्कन टाइट होना चाहिए, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये क्रीम आप जितने दिन भी रख सकती हैं, बनाकर रख सकते हैं। इसमें मैं डाल लूँगी 1 ढक्कन जैतून का तेल। और इसमें मैं थोड़ा सा, आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें ग्रिसलीन, और 3 कैप्सूल डाल लूंगी मैं इसमें। इस कैप्सूल को आप जो सिर में, हम बालों में तेल लगाते हैं, उस तेल में मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। तो इससे जब बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें सुराख कर लिया है और इसमें निचोड़ लूँगी इस तरीके से। अगर आपकी स्किन ड्राई है, जैसे चेहरे पे भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, हाथ मुंह धोने के बाद या नहाने धोने के बाद, और पैरों में, हाथों में भी यूज कर सकते हैं। पैरों में आप इसको यूज करें सुबह एकदम जब नहाते धोते हैं, उस समय आप इस क्रीम को लगा लें हाथ पैरों में। उसके बाद आप पैरों में लगाने के बाद आप सॉक्स पहन सकते हैं। आजकल वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी क्रीम, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर, वैसलीन चल गई हैं, लेकिन हमेशा हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस समय हमको ज़रूरी चाहिए, तो हम इसको बनाकर भी रख सकते हैं। इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो। मेरे तो हाथ पैर बहुत ज्यादा आजकल ठंडी में खराब हो जाते हैं, तो मैं वैसे वैसलीन भी बना के रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये वाला क्रीम बनाया हुआ है, ये देखो। इसको लगाने के बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर आपके हाथ एकदम से अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि हाथों में कुछ भी नहीं लगा है। नहीं तो हम और कुछ लगाते तो एकदम ड्राई ड्राई हो जाते हैं हाथ, तो इससे आपके हाथों में भी बहुत अच्छा लगेगा और स्किन भी अच्छी हो जाएगी। आप ज़रूर लगाएँ और ट्राई करें, कम से कम आपको ये 1 हफ्ते के अंदर में ही इसका पता चल जाएगा कि ये क्रीम से आपको कितना फ़ायदा होता है, ये देखो। और फिर उसके बाद मैं इसको एक डिब्बे में रख लूँगी, इस डिब्बे में रख लूँगी। ये भी एलोवेरा जेल का ही डिब्बा है, तो मैंने इसको साफ़ किया है, तो इसमें रख लूँगी।
आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और कमेंट ज़रूर करें और एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनाने में, और आपके पास रखा होगा सामान तो आप ज़रूर ट्राई करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।